नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्रेव ऑफ द फायर फ्लाइज एनिमे मूवीज के बारे में। इसे डायरेक्ट किया इसाओ ताकाहाता ने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मूवी जो है वो रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जो इसे और ज्यादा भयानक बना देती है। जो लोग रियल एक्शन मूवी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एनिमे को एक तरीके से कार्टून कहकर उनको चिढ़ाते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि एक बार ये मूवी देख लो, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम एनिमे मूवीज को प्यार करने लग जाओगे। मैं अपनी बात करूं तो मुझे जैपनीज एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू रियल एक्शन मूवीज के। और भारत की जो रियल एक्शन मूवी होती है उसके अंदर कंटेंट कम, प्रोपेगेंडा ज्यादा होते हैं। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज इतनी ज्यादा टेरिफिक मूवी है कि इस मूवी को मैं दोबारा कभी नहीं देखूंगा। ऐसा इसलिए नहीं कि ये मूवी खराब है, ये ऐसा इसलिए क्योंकि इतना मेरा दिल जो है वो पत्थर नहीं है, मुझे इस मूवी ने ऑलरेडी अंदर से हिला दिया है। और इस बात की गारंटी है कि जो भी इस मूवी को देखेगा उसकी आत्मा अंदर तक हाल जाएगी, इतनी खूबसूरत और इतने जबरदस्त तरीके से काम किया गया है। तो कहानी के बारे में थोड़ा बता दूं, 1945 जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जापानीज के ऊपर अमेरिका जो है वो हमला कर रहा था, हवाई जहाज से वहां पर बम फेंक रहा था, उस टाइम की एक मूवी दिखाई गई है। और जापान के अंदर ही एक गांव के अंदर जब अमेरिका हमला कर देता है हवाई जहाज से, वहां पर बम गिराने शुरू कर देता है, तो वहां पर एक परिवार जो होता है, एक छोटी लड़की जो 8-7 साल की है और उसका भाई जो 14-15 साल का है, लड़की का नाम है सेत्सुको और लड़के का नाम है सेतम, ये दोनों हैं, अपने आप को बचाने की इसमें कोशिश करते हैं। इनकी माता का जो है वो देहांत हो जाता है इसी अटैक के दौरान, तो अपने आप को बचाते हुए अपनी आंटी के घर जाते हैं, वहां पे वो रहते हैं और उनकी आंटी उनके साथ इतना गैर बर्ताव करती है कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं देती, हर बात बात पे उनको कोसना शुरू कर देती है। तो एक दिन तक आके ये दोनों वो घर छोड़ के चले जाते हैं और एक गुफा के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। एक भाई अपनी बहन का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, उससे जो हो पा रहा है वो पूरी कोशिश कर रहा है, और इसमें सेत्सुको को बहुत ज्यादा समझदार दिखाया गया और इतनी प्यारी इसके अंदर दिखाया गया कि आप उसे देखोगे तो मतलब इन दोनों को ही देखोगे, इन दोनों के रिश्ते को देखोगे, आप इन दोनों से एकदम कनेक्ट हो जाओगे। और जब ये मूवी खत्म होगी मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे होंगे। ये मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बस यही उम्मीद करोगे कि यार बस यार इससे ज्यादा और ना दिखाया जाए। एक इसके अंदर सीन आता है जिसमें सेत्सुको जो है वो बहुत बीमार है और उसका भाई उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, और ये जो ना कर पाने की जो एक्सप्रेशन के थ्रू इन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। मतलब आप वो सीन देखोगे आप उसे खुद फील करने लग जाओगे, आपको लगेगा कि आपकी बहन वहाँ पर है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। यार इसको देखने के लिए आपको अपना दिल जो है वो बहुत मजबूत करना पड़ेगा, और मैं एक ही बात कहूँगा कि यार सच में तुम कितने भी पत्थर दिल इंसान हो ये मूवी तुमको रुला कर ही मानेगी। जैसा कि मैं शुरुआत में कह चुका हूँ कि ये मूवी कोई काल्पनिक नहीं है, ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है जो इसे और ज़्यादा भयानक और खतरनाक बना देती है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी कोई एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज या फिर रियल एक्शन मूवीज के अंदर इतनी जबरदस्त मूवी नहीं देखी जो ये वाली मूवी है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज के अंदर इतना ज्यादा कंटेंट देखने को मिलता है, इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का इमोशन देखने को मिलता है कि आप उससे कनेक्ट हो जाते हो और इससे आप प्यार करने लग जाते हो। और जो बहुत ज्यादा ये ढेंगे आमते हैं ना कि रियल एक्शन मूवी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, एक बार जरा एनिमे मूवी देखकर देखो तुम्हें पता चलेगा कंटेंट किसे कहते हैं, काम क्या होता है, तुम्हें सच में पता चलेगा। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 10 out of 10 सर। अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है और तुम सच में एक काम देखना चाहते हो, असली काम क्या होता है, असली कंटेंट क्या होता है, एक बार जाके ये मूवी देखो तुम्हें पता चलेगा। और जिसने देख रखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। ऑब्वियसली ये मूवी हर किसी को पसंद आई होगी, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा होगा ये मूवी देख कर रोया ना होगा। खैर बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।